कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिससे पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। इस बीच कारोबार जगत को भी इस माहौल से खूब फायदा हो रहा है और व्यापारियों को करोड़ों का बिजनेस मिल रहा है। रिटेल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन CAT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम से देश भर के व्यापारियों को 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस मिल चुका है। इसमें इकोनॉमी को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा और इसमें एम्प्लॉयमेंट के मौके भी काफी आएंगे। CAT ने ये भी बताया कि दिल्ली में छोटे बड़े 2,000 से अधिक कार्यक्रम होंगे, वहीं देश भर में 30,000 से ज्यादा कार्यक्रम होने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह इस सदी का सबसे बड़ा दिन होगा, जब एक ही दिन एक साथ इतने कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि कल घरों, बाजारों, मंदिरों व अन्य स्थानों की सजावट करने के लिए आज फूलों की मांग में बहुत बढ़ोतरी हुई है और वहीं मिट्टी के दीपक खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ी हुई है। वहीं मिठाई की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। लोग प्रसाद के लिए बड़े पैमाने पर मिठाइयां खरीद रहे हैं। बाजार में राम झंडों और राम पटाखों की कमी हो गई है। इस तरह का माहौल 22 जनवरी से पहले बना हुआ है। और तो और व्यापारी समुदाय के बीच हर शहर अयोध्या, घर घर अयोध्या राष्ट्रीय अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते दिल्ली और देश के सभी राज्यों के व्यापारी संगठनों ने 22 जनवरी के लिए अपने अपने बाजार में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की भी बड़ी स्तर पर तैयारी की है। ये सभी कार्यक्रम मार्केट में ही होंगे, इसीलिए कल दिल्ली समेत देश के सभी बाजार खुले रहेंगे और व्यापारी आम लोगों के साथ श्री राम मंदिर का जश्न मनाएंगे। क्या आपको भी है 22 जनवरी का इंतजार? तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।